हमेशा खुश रहेगा मन, मार्च में करो वमन। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, जिसका अर्थ होता है कि अगर आपका मन मजे में है तो पवित्र नदी माँ गंगा तो आपके पास ही है। आपका मन मजे में रहे और शरीर बीमारियों से भी बचा रहे, इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे मन और स्वास्थ्य का क्या है संबंध, घर का पाइप जो आप समझाएगा कफ और वसंत ऋतु होती क्या है, मार्च में कौन सा पंचकर्म है आपके लिए सबसे बेस्ट, क्यों वमन है शरीर मन को प्रसन्न रखने का सबसे बड़ा हथियार, बच्चे हो या बड़े एक दिन का वमन उन सब का सही रखेगा तन, और वमन से जुड़े आपके सभी सवाल जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां वमन हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेलकम टू ओज आयुर्वेद, जहां मिलेगी आपको आयुर्वेद की एकदम सही जानकारियां, वो भी आयुर्वेद की संहिताओं के प्रमाण के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुश्रुत ऋषि पूछते हैं कि आप स्वस्थ किसे कहेंगे, जिसको ठीक से भूख प्यास लगती है, खाया पिया समय पर पच जाता है, पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिसकी सभी इंद्रियां आंख, मुंह, कान, नाक और स्किन ठीक से काम करती है, वही स्वस्थ है ना? लेकिन यह सब ठीक हो या डॉक्टरों द्वारा आपकी सभी रिपोर्ट्स को नॉर्मल बताया जाए तो भी आप स्वस्थ या फिट नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन सभी चीजों में एक चीज मिसिंग है और वो है मन। स्वस्थ या मजे से रहने के लिए मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, बिना मन के आपका स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी बात को संस्कृत में सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कुछ इस तरह कहा गया है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभि धीयते, अर्थात आपकी सभी चीजें तो ठीक हो, साथ ही साथ आपका जो मन है उसका भी प्रसन्न रहना जरूरी है, तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। तो देखा आपने सभी चीजों के साथ मन का कितना इम्पोर्टेंस है, यह सुश्रुत ऋषि ने कहा है। आगे आचार्य सुश्रुत कहते हैं, मन को प्रसन्न रखने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। मन को प्रसन्न रखने के लिए कफ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में इसी के कारण ज्यादातर मन दुखी या बीमार रहता है। मार्च का मौसम शुरू होते ही वसंत ऋतु शुरू हो जाती है, जिसके कारण शरीर में ठंडियों में इकट्ठा कफ पिघल कर शरीर में बढ़ने लग जाता है और 60 से भी ज्यादा बीमारियां पैदा कर देता है। अब यह कफ क्या होता है, चलिए उसे भी जानते हैं। कफ को समझने के लिए हम सबसे पहले कीचड़ को समझेंगे। आपने कीचड़ देखा ही होगा, वो कैसे बनता है, मिट्टी और पानी को अगर मिला दें तो वह कीचड़ बन जाता है। सेम ऐसे ही हमारे शरीर में भी मिट्टी और पानी की अधिकता से कफ बनता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड या हमारा शरीर विश्व की 5 महान शक्तियों से बना है, वो है आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी। तो प्रकृति की 2 शक्तियों मिट्टी और पानी के मिल जाने से शरीर में कफ बनता है, और मार्च या वसंत ऋतु शुरू होने पर यही कफ या कीचड़ शरीर में जरूरत से ज्यादा बनने लगता है और कई बीमारियों का कारण बन जाता है। इसे इस तरह समझे कि आपके घर में अगर एक पानी की नाली या पाइप है और अगर उसमें कीचड़ या कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ब्लॉकेज हो जाएगा और पाइप जिसमें से गंदा पानी बाहर जाता था वो बाहर न जाकर घर में इकट्ठा होने लग जाएगा, जिसके कारण घर में गंदगी या बदबू फैल जाएगी। ठीक वैसे ही शरीर में जब कफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो ब्लॉकेज पैदा करने लग जाता है और बॉडी में मल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही कफ के कारण शरीर में मल इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे एसिडिटी, सभी प्रकार के चर्म रोग या स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइड, मोटापा, फैटी लीवर, आलस, मंद बुद्धि, हार्ट के ब्लॉकेज
ऐसे कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाओं में जो फाइब्रॉइड यूटेरस या गर्भाशय में गांठ पाई जाती है उसका भी यही एक कारण कफ है। तो आप जैसे बंद हुए पाइप को या नाली को ठीक करने के लिए उसकी सफाई करते हैं जिससे कि गंदा पानी घर से बाहर निकल सके, वैसे ही आयुर्वेद कहता है कि आपको भी अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए जिससे कि आपके शरीर में इकट्ठा कफ या मल शरीर से बाहर निकल जाए और आपके शरीर का अच्छे से पोषण हो सके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 या किस तरह आप अपने शरीर की सफाई करा सकते हैं। आयुर्वेद में सफाई करने के लिए या शरीर को हमेशा स्वच्छ रखने के लिए पंचकर्म के बारे में विशेष कहा गया है। पंचकर्म अर्थात 5 विशेष तरीके जिससे कि शरीर की सफाई करनी चाहिए, जिनका नाम है वमन, विरेचन, बस्ति, नश्य और रक्तमोक्षण। तो इसमें से जो पहला कर्म है वमन, वह कफ के रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा चरक अपने सूत्र स्थान में कहते हैं। वमनम श्लेष्म हराणाम श्रेष्ठम, अर्थात अगर आपको कफ से युद्ध जीतना है और शरीर में बढ़े हुए कफ को खत्म कर देना है तो वमन उसके लिए ब्रह्मास्त्र है, यह सबसे बड़ा हथियार है कफ की बीमारियों को खत्म करने के लिए। और मार्च के महीने में वमन करने का सबसे बेस्ट आयुर्वेद में माना गया है। अब वमन होता क्या है? वमन शब्द का अर्थ होता है वॉमिटिंग या उल्टी करना। अरे अरे, जो आप घर पे उल्टी करते हैं वो नहीं, या बीमारी के कारण जो वॉमिटिंग होती है वो भी नहीं, यह आयुर्वेद की एक विशेष पद्धति है जिसमें आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से विशेष औषधियाँ दी जाती हैं जिससे कि आपके शरीर में इकट्ठा गंदगी वमन द्वारा या गले से बाहर निकल आए। आप सोचते होंगे क्या उल्टी करना भी कोई इलाज हो सकता? जी हाँ, कभी आपको एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग हुई है क्या? तब आप क्या करते हैं, आपको हो रही एसिडिटी के कारण आप गले में उंगली डालकर जबरदस्ती वॉमिट करते हैं जिससे कि गंदगी शरीर से बाहर निकल जाए। वो उल्टी, वमन या वोमिटिंग हो जाने के बाद आपको हल्का या अच्छा लगता है, तो यह एक नेचुरल तरीका है शरीर से विष को निकालने का। हम सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में बहुत से जानवरों को आपने देखा होगा जो घास खाकर वमन या वोमिट करते हैं जिससे कि उन्हें पेट के रोग ना हो। सोचिए जानवर भी कितने ज्यादा समझदार होते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां कही गई हैं जिन्हें खाने से शरीर के कोने कोने में इकट्ठा विष आपके पेट में आ जाता है और फिर वमन द्वारा वो सभी का सभी गंदगी, जहर, कफ या कीचड़ शरीर उसे बाहर निकाल देता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वमन का मन के साथ क्या संबंध हो सकता है। इसके लिए मन को समझते हैं। आयुर्वेद में मन का जो घर है उसे हृदय और काम करने की जगह दिमाग कहा गया है। जैसे कि आपका एक घर होता है जहां आप रहते हैं और एक काम करने की ऑफिस या जगह होती है जहां पर जाकर आप अपने डेली काम करते हैं, वैसे ही शरीर में जो मन का घर है वो हृदय है और मन के काम करने की जो जगह है वो आपका दिमाग है। आयुर्वेद ऐसा कहता है आपके चेस्ट या छाती के ऊपर का पूरा स्थान कफ के अंडर में आता है, मतलब इन सब जगहों पर कफ का राज चलता है या कफ की बीमारियां ज्यादा होती हैं। आपका हार्ट और दिमाग दोनों कफ के एरिया में ही आते हैं और मन की दोनों जगह कफ के अंडर आ गई। तो मार्च के महीने में जब आपके शरीर में कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है तब वह श्वास नली, हृदय की नलियां, आर्टरीज और वेन, सिर के साइनस में, इन सभी जगह जाकर कफ इकट्ठा होने लगता है। तो सिर में भारीपन होना, आलस, बेचैनी, नाक कान के कई रोग, आंखों के रोग पैदा होने लग जाना, कफ के कारण दिमाग को ठीक से ब्लड सप्लाई न हो पाना जिससे कि दिमाग का पोषण कम होना और कई तरह के न्यूरोलॉजिकल समस्या तक शुरू हो जाती है, जैसे डिप्रेशन, याददाश्त कम हो जाना, थायराइड, हाइट न बढ़ना, बाकी चीजें।
तो आप ही सोचिए, अगर आपका घर और ऑफिस दोनों खराब हो जाए तो क्या आप ठीक से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही आपके मन की दोनों जगह, हृदय और दिमाग में जब कफ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो मन कैसे खुश रह सकता है या कैसे स्वस्थ रह सकता है? तो आपको इन सब बीमारियों को न झेलना पड़े, उसके लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने इस कफ नामक मल को शरीर से निकाल फेंकने के लिए वमन नाम की चिकित्सा का आविष्कार किया। आज के सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक तो नहीं है। वह केवल शरीर में होने वाली प्रॉब्लम को दबा देते हैं, पर आयुर्वेद कहता है कि बीमारियों को दबाने से अच्छा है कि उसे शरीर से बाहर ही निकाल कर फेंक दी जाए। वो कहावत है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वैसे ही जब भी बीमारियां शुरू होने वाली हो, उसके पहले ही उसे अगर आप शरीर से निकाल फेंक दें तो भविष्य में भी आप रोगों से मुक्त रहेंगे, न रहेगी बीमारी और न रहेगा साइड इफेक्ट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कैसे वमन शरीर और मन को प्रसन्न रखेगा और साथ ही बच्चे हो या बड़े सबके लिए एक दिन का वमन कैसे 60 से ज्यादा रोगों से बचा के उनके तन को सही रखेगा। मार्च के महीने में अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति से वमन करके शरीर से पूरा कचड़ा या मल बाहर निकाल देते हैं तो इसके अनगिनत फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे? फायदा नंबर 1, कफ के निकल जाने से आपकी पाचन शक्ति या जठर अग्नि तेज हो जाएगी। आप जो भी खाएंगे वह अच्छे से हजम होगा, भूख खुलकर लगेगी और जितना अच्छा आपका पाचन तंत्र होगा उतना अच्छे ही क्वालिटी के आपके शरीर में सेल बनेंगे और जितने अच्छी क्वालिटी के सेल बनेंगे उतना अच्छा आपका बॉडी और ब्रेन रहेगा। नंबर 2, कफ और कफ से होने वाली 20 से ज्यादा बीमारियां जैसे कि दमा, अस्थमा, फैटी लीवर, सभी तरह के चर्म रोग, थायराइड, हार्ट की बीमारियां, PCOD या फाइब्रॉइड यूटेरस जो महिलाओं में होता है, वह सब ठीक होने लगेंगे और भविष्य में भी आप इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। फायदा नंबर 3, केवल कफ ही नहीं पित्त के भी 40 से ज्यादा बीमारियों के लिए वमन एक परफेक्ट दवा है, खास करके एसिडिटी, माइग्रेन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, ऐसी सभी बीमारियों में एक बार किया गया वमन चमत्कारी फायदा पहुंचाता है। फायदा नंबर 4, बच्चों की हाइट और मानसिक विकास के लिए उन्हें साल में एक बार वमन जरूर कराना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वह उनके साथ यह समस्या है कि वो मंद बुद्धि है या मोटापे से पीड़ित है या कोई भी चीज जल्दी समझ नहीं पाते या कफ की बीमारियों से परेशान रहते हैं तो उनके लिए वमन एक परफेक्ट दवा है। एक बार किया गया वमन उनके दिमाग और हाइट के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी एक अल्टीमेट टॉनिक का काम करेगा। फायदा नंबर 5, महिलाओं के होने वाले रोग, खास करके आज के जमाने में हर 5 में से एक महिला को फाइब्रॉइड यूटेरस, PCOD या गांठ की समस्या है। तो आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो, चाहे वो गर्भाशय में हो, स्तन या ब्रेस्ट में हो या और कहीं भी अगर आपको गांठे हैं तो उसके लिए वमन एक कमाल की औषधि है। अगर शादी के बाद इन्हीं गांठों के कारण इनफर्टिलिटी या बच्चे ना होने की समस्या है तो आपको एक बार वमन जरूर कराना चाहिए। फायदा नंबर 6, अगर आपको कोई भी रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ और हट्टे कट्टे हैं, फिर भी शरीर को मेंटेन रखने के लिए जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टाइम पे कराते रहते हैं, वैसे ही साल में एक बार वमन कराना आपके बॉडी को हमेशा मेंटेन रखेगा। तो देखा आपने, हर एक के लिए वमन सुटेबल है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, कब, कहां, कैसे, क्यों और कौन कौन वमन करा सकता है। वमन कब कराना चाहिए, इस सवाल का जवाब है साल में कभी भी करा सकते हैं, पर मार्च का महीना सबसे बेस्ट टाइम है। कहां करा सकते हैं, आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके, किसी भी पंचकर्म सेंटर में या आपके नजदीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आप वमन करवा सकते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा? वमन केवल एक दिन का प्रोसीजर है और इसमें 2 या 3 घंटे का ही समय लगता है। सुबह 6 से 10 बजे का टाइम आयुर्वेद में सबसे बेस्ट माना गया है। यह केवल एक दिन का ही प्रोसीजर है तो आप एक दिन में ही फ्री हो जाएंगे।
वोमन की ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से वोमन के बारे में संपर्क जरूर करें। इसमें कितना खर्च आएगा, इतनी सारी बीमारियों को ठीक करने और साल भर आपको फिट रखने के लिए वोमन का ज्यादा से ज्यादा खर्च आपको 4 से 6 हजार के बीच आएगा। हाँ, अलग अलग सेंटर में अलग अलग रेट हो सकते हैं। क्या घर पर केवल नमक का पानी पीकर उल्टी किया तो नहीं चलेगा? नहीं, पानी पीकर उल्टी करना आयुर्वेद में सद्य वमन या इमरजेंसी के कंडीशन में कहा गया है। आयुर्वेदिक जो वमन है उसमें आपको कुछ दिन विशेष औषधियाँ दी जाती हैं खाने के लिए, आपके शरीर पर तेल की मालिश की जाती है, गर्म पानी से सेक किया जाता है जिससे कि पूरी बॉडी में इकट्ठा विष आपके पेट में आ जाए और फिर उस विष को निकाला जाता है। सिर्फ पानी पी के उल्टी करने से आपके शरीर में यह क्रिया नहीं होगी और घर पर वमन करना थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है अगर घर पर ठीक से वमन ना करें तो वो आगे चल के चर्म रोग का कारण बन सकता है और जिन्हें भी हृदय के रोग हैं वो खुद से घर पे वमन बिल्कुल भी ना करें। लास्ट सवाल, वमन कौन कौन कर सकता है? बच्चों से लेकर 50-60 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति वमन कर सकता है, पर आप वमन के लायक हैं कि नहीं यह एक आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर डिसाइड करते हैं क्योंकि वमन करने के लिए आयुर्वेद में कुछ कंडीशंस या प्रकृति कही गई है। अगर आप उस कंडीशन के अनुसार आपका शरीर रहेगा तब आप वमन जरूर कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से जरूर मिल जाएगी। तो इस मौसम में एक दिन का वमन आपको साल भर निरोगी रहेगा। ये कहावत तो आप जानते ही हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने के लिए आप मार्च के महीने की शुरुआत में ही वमन जरूर करके लीजिए और अपने वमन के अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस जानकारी को आप दूसरों के साथ शेयर क्यों नहीं करते? हो सकता है किसी की बीमारी में ये बहुत काम आ जाए। आयुर्वेद से जुड़े ऐसी ही कमाल की जानकारियों के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल ओज आयुर्वेद इसे सब्सक्राइब जरूर करें और घन 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 घंटी को बजाना न भूलें। आप हमें Facebook या Twitter पर भी जुड़ सकते हैं इसी ओज आयुर्वेद के नाम से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।